हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑनलाइन सोसाइटी। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप राशन कार्ड की पात्रता सूची या फिर पात्रता सूची में से अपने राशन कार्ड की रसीद को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए आप क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेंगे। ब्राउजर ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है fsc.up.gov.in। वेबसाइट का लिंक जो है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। उसके बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे आपको स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा राशन कार्ड की पात्रता सूची। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है राशन कार्ड की पात्रता सूची में खोजें, इस पर नहीं क्लिक करना, आपको पात्रता सूची पर ही आपको क्लिक करना। तो इस पर आपको क्लिक करेंगे तो सेकंड टैब ओपन हो जाएगी। इसमें आपके यूपी के जितने भी डिस्ट्रिक्ट है सारे डिस्ट्रिक्ट ओपन होकर आ जाएंगे। आप यहाँ पर जूम करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट लगता है उस डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक कर देना है। डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक करने के बाद आपकी नगर पंचायत या फिर नगर पालिका होती है तो ऊपर वाली लिस्ट में देखने के लिए मिल जाएगा एनपी मानी नगर पंचायत, एनपीपी नगर पालिका परिषद। और नीचे यहाँ पर आपको ब्लॉक्स देखने के लिए मिल जाएंगे। तो अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो ब्लॉक को सिलेक्ट करेंगे, शहरी क्षेत्र से आते हैं तो अपनी नगर पालिका या नगर पंचायत जो भी होती है उसे सिलेक्ट करेंगे। तो हमें ब्लॉक सेलेक्ट करना है तो ब्लॉक को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद उस ब्लॉक में जितने भी गांव होंगे उनकी सारी लिस्ट ओपन होकर आ जाएगी। अब यहाँ पर इतनी बड़ी आपकी गांव की लिस्ट आ जाएगी तो अपने गांव का नाम खोजने में दिक्कत हो रही है तो थ्री डॉट पर यहाँ क्लिक करेंगे, फाइंड इन पेज पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अपने गांव का नाम यहाँ पर सर्च कर लेंगे तो देख सकते हैं आपके गांव का नाम यहाँ पर आ जाएगा। उस पर क्लिक करके अपने गांव को ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको कोटेदार का नाम दिखाई देगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं नीलम मौर्य। तो यहाँ पर दो तरीके के राशन कार्ड होते हैं, एक तो अंत्योदय, एक होता है पीएच यानी पात्र गृहस्थी। तो पात्रता गृहस्थी की लिस्ट यहाँ पर ये देखने के लिए मिल जाएगी। अगर आप अंत्योदय की लिस्ट डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको 136 लिखा है इस पर कर देना, तो यहाँ पर पूरी अंत्योदय वाली लिस्ट आ जाएगी। तो हमें पात्र गृहस्थी वाली करनी है तो पात्र गृहस्थी पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर आपकी पूरी गाँव की लिस्ट जो है डाउनलोड हो गई है। तो अगर आपको पूरी लिस्ट की जरूरत है तो यहाँ पर से आप इसे डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं पूरी लिस्ट को, यहाँ से ये लिस्ट आपकी प्रिंट हो जाएगी। अब इसमें केवल आपको अपना नाम ढूंढना है, केवल आपको अपनी लिस्ट डाउनलोड करनी है। तो यहाँ पर क्लिक करके अपनी लिस्ट को भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है इतनी बड़ी लिस्ट में आप अपना नाम कैसे खोजेंगे। तो पहला ऑप्शन तो ये है, अगर आपके पास राशन कार्ड नंबर है तो यहाँ पर आपको थ्री डॉट पर क्लिक करके फाइंड इन पेज पर क्लिक करना है। जो भी आपका राशन नंबर होता है वो यहाँ पर आपको दर्ज कर देना है। तो यहाँ पर वो नंबर वाले जितने भी राशन कार्ड होंगे वो यहाँ पर हाईलाइट हो जाएंगे तो उसमें आप इजीली देख पाएंगे। यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं सारे हाईलाइट हो जाएंगे उस नंबर से जितने भी होंगे। दूसरा, यहाँ पर अगर आपको नंबर नहीं पता तो आप नाम से सर्च कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये है यहाँ पर नाम सारे हिंदी में आ रहे होंगे तो या तो पहला ऑप्शन ये है आप फाइंड माई पेज पर जाकर अपने कीबोर्ड को हिंदी में चेंज कर लीजिए और हिंदी में नाम यहाँ पर टाइप करके सर्च कर लीजिए। दूसरा, अगर कीबोर्ड को हिंदी में चेंज नहीं करना चाहते तो यहाँ पर गूगल ट्रांसलेट को ओपन कर लीजिए। तो यहाँ पर गूगल ट्रांसलेट यहाँ पर ओपन होकर आ जाएगा। तो पहले नाम ऊपर डालेंगे आप इंग्लिश में और यहाँ नीचे नाम आ जाएगा हिंदी में। तो इसे आपको नीचे वाले नाम को यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद लिस्ट पे वापस आएंगे, यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करके फाइंड इन पेज पर जाएंगे और उस नाम को यहाँ पर कर देंगे पेस्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने जो नाम डाला वो यहाँ पर हाईलाइट हो गया है। तो उसके सामने वाले नंबर पर आपको क्लिक कर देना है तो यहाँ पर आपकी राशन कार्ड की पर्ची है वो डाउनलोड हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इससे राशन भी ले सकते हैं और अपने राशन में यूनिट्स वगैरह जुड़वाए हैं या फिर घटवाए हैं तो यहाँ से नए यूनिट को चेक भी कर सकते हैं। और एक बात फ्रेंड्स, आप यहाँ पर जानना चाहते हैं आपने हाल फिलहाल में राशन कार्ड बनवाया उसमें आपका नाम जुड़ा है नहीं जुड़ा है तो यहाँ पर आपको डेट देखने के लिए मिल जाएगी राशन कार्ड जारी करने की तिथि। तो इसमें आप देख सकते हैं किस तिथि के लिए कौन सा राशन कार्ड जुड़ा है। तो मान लीजिए आपने 2023 में अप्लाई किया था तो आप गांव की लिस्ट में यहां पर डायरेक्टली फाइंड माय पेज पर 2023 सर्च कर सकते हैं तो आपको पता लग जाएगा 2023 में कितने राशन कार्ड नए आपके गाँव में जुड़े हैं। देख सकते हैं यहाँ पर डेट्स हाईलाइट हो गई हैं 2023 वाली। तो इस तरीके से आप नए राशन कार्ड जो जुड़े हैं आपके हाल फिलहाल में ही उसे सर्च कर सकते हैं। और यहाँ पर फिल्टर लगाने के लिए आप इसमें महीना भी ऐड कर सकते हैं। जब मान लीजिए मुझे देखना मार्च 2023 में कितने राशन कार्ड जुड़े हैं, मैंने यहाँ मार्च 2023 कर दिया तो यहाँ पर टोटली 5 राशन नए जुड़े हैं मार्च 2023 में। तो फ्रेंड्स, ये थी पूरी प्रोसेस। आप इस तरीके से राशन कार्ड की न्यू लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं, अपनी पात्रता सूची में नाम खोज सकते हैं और अपने राशन कार्ड की रसीद को डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपका राशन कार्ड अभी तक नहीं बना है तो आप किसी नियरेस्ट जनसेवा केंद्र पर जाकर अपने राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं।